ट्राई कलर हेल्दी एंड शाही नरगिसी कोफ्ते बहुत ही क्रिस्पी यम्मी एंड डेलीशियस। बहुत ही कम ऑयल के साथ बनकर तैयार होने वाले ये कोफ्ते दो तरीके से सर्व किए जा सकते हैं, ड्राई स्नैक्स की तरह या फिर ग्रेवी के साथ कोफ्ता करी। एक टिप मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जिसे आपने कहीं नहीं देखा होगा, ब्रेड क्रम्स को लगाने का तरीका, जिससे आपके हाथ एकदम साफ और सूखे रहेंगे। नमस्कार, सविद स्टाइल में मैं साधना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले आएगा। शुरू कर लेते हैं। हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, और नरगिसी कोफ्ते में हमको फिलिंग की ज़रूरत होगी, तो इसमें हम पनीर की फिलिंग करेंगे। और ये मैंने होममेड पनीर बनाया है। एक छोटा सा हम टुकड़ा लेंगे और ये करीब आधा कप ग्रेटेड पनीर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, इनको हल्का हल्का छोटा छोटा तोड़ लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डाला है और काली मिर्च पिसी हुई डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाला है और इसमें पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा केसर के धागे डाल दिए हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमने रेड कलर देने के लिए मैंने एक बीट रूट को कद्दूकस कर लिया है, बारीक वाला कद्दूकस किया है, और इसमें बॉइल्ड आलू डाल दिए हैं उबले हुए, और इसको अच्छे से हमने मैश कर लिया है। एक पैन में सरसों का तेल लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है जिससे इसका स्मेल चली जाती है, और इसमें एक चम्मच जीरा डाला है, चॉप्ड इसमें प्याज डाल दी है, और गार्लिक और चिली और जिंजर डाल दिया है। सबको छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया है, और ये हमने मिश्रण डाल दिया है आलू और बीटरूट का। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर सॉल्ट टू टेस्ट डाला और चिली पाउडर डाल दिया। यहाँ मैंने एक चम्मच यूज़ किया है, और मैंने थोड़ा सा हींग का पानी डाला है। इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और ड्राई मैंगो पाउडर, ये ऑप्शनल है। ड्राई मैंगो पाउडर यदि आप थोड़ा सा खट्टा यूज़ करना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नींबू भी थोड़ा सा डाल सकते हो। और इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो यहाँ पर मैंने पाम थोड़े से चिकने कर लिए हैं, और हमने ये छोटे छोटे गोल गोल लड्डू से बना के इसके अंदर हम इस तरह से दबा दबा के फिलिंग करेंगे। इसको अच्छे से दबा देंगे और बस बढ़िया से हम इसको गोल गोल बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पियर शेप बनाया है, ये इसको ऊपर से थोड़ा सा उठा देंगे और नीचे से थोड़ा गोल कर देंगे। ये इस तरह से दो ही बनाए हैं। ये बची हुई फिलिंग को हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे को ब्रेड क्रम्स चाहिए। ये मेरी होममेड ब्रेड है, वीट ब्रेड है, वीट और ओट्स की ब्रेड बनाई थी। इसकी भी रेसिपी यदि आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पर स्लरी बनाई है, इसमें बराबर बराबर का हमने आटा और कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, और काली मिर्च और नमक डाल दिया है इसमें। और यहाँ हमने दो जगह ब्रेड क्रम्स लिया है, और ये जो स्लरी बनाई है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये चम्मच के ऊपर कोट कर जाए, और ये एकदम बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। और ये हम एक कांटा लेंगे, कांटे से इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कांटे के नीचे से हम बैटर को हटाएंगे, और इस तरह से गोल गोल हम दूसरे बर्तन में घुमाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी हाथ इसमें ख़राब नहीं होते हैं। हम इसमें डबल ये कोट करेंगे जिससे एक बहुत बढ़िया क्रंच देगा, बहुत बढ़िया इसकी कोटिंग होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये। आप जब भी आप कटलेट्स बनाते हैं या कोफ्ते बनाते हैं तो आप ये वाला मेथड ज़रूर आप अपनाएं। और इससे देखिए हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। और थोड़ा सा हमने दबा दबा के इसके ऑल राउंड राउंड से लड्डू से बना दिए हैं, और ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने इस तरह से निकाल देंगे। और आप इसमें फॉर्क का यूज़ ज़रूर करिए, इससे इवनली कोटिंग होती है और एक्स्ट्रा बैटर भी निकल जाता है। और इस तरह से बढ़िया से हम शेप दे देंगे एक बार फिर से,
तो डबल कोटिंग करेंगे। स्लरी हमको फिर से बनानी पड़ेगी। मैंने बस यहाँ पर दो दो चम्मच यूज़ किया था आटा, मैंने मैदे की जगह आटा यूज़ किया वीट फ्लोर, और आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट शेप है, ये रेड पियर है। और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल रखा है और लो टू मीडियम पर ही हमें इसे डीप फ्राई करना है। आप इसको एयर फ्रायर है तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं इसको। बस इसी तरह दो दो तीन तीन करके हम फ्राई करेंगे। मैं बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर मैं इस ऑयल को रिपीट नहीं करती हूँ। एक बार ऑयल यूज़ हो जाता है उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं सोखा है इन्होंने। और अब बारी है फूड प्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर मैंने केले का पत्ता लिया है, उसमें एक टूथपिक से हम एक होल बनाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से हमने, चाहे आप धनिया पत्ता ले लीजिए, चाहे आप पुदीने का पत्ता भी आप इसमें लगा सकते हो, या आप छोटे छोटे आपके पास गिलास हैं तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और गिलास के अंदर चटनी डाल दीजिए, छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वाले गिलास होते हैं। और यहाँ पर मैंने बोल लिया है, यदि आपके पास छोटी सी बास्केट है तो उसमें आप धनिया या पुदीना बिछा दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए। यहाँ मैंने केले का पत्ता लगाया है, यहाँ मैंने इस तरह से पुदीने के पत्ते बिछा दिए हैं वॉश करके अच्छे से। और कुछ इस तरह से बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशंस हैं जो कि सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं। ये थोड़ी सी मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी लीफ को कट कर लिया है। बहुत ही आसानी से केले के पत्ते की लीफ इस तरह से स्लिट हो जाती है उसमें। और ये और इन कोफ्तों की एक ख़ास बात है, यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है और ये बहुत बढ़िया इसमें कलर आता है। और बहुत शाही ये कोफ्ते बनते हैं। ये कटलेट्स, आप कटलेट्स की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये मैं काट के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और आप पार्टीज़ में भी इसको एक दिन पहले तैयार करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर आप एक बार फिर से आप इसको डीप फ्राई करके या एयर फ्राई करके इसको आप सर्व कर सकते हैं। आप इनको ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे काजू की या लहसुन प्याज की ग्रेवी आपने बना ली और उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर वन के साथ। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।